तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आपको आज पेज को स्मूथ करना सिखाऊंगा, वो भी फुल एचडी में। गाइस, तो स्क्रीन में देख सकते हो, इस पेज को हम स्मूथ करेंगे गाइस। तो और आप पेज को देख ही सकते हो गाइस, कैसा फटा सा पेज लग रहा है। और इस पेज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है गाइस, तभी आप बहुत ही ईजी तरीके से पेज को फुल एचडी स्मूथ कर पाएंगे। तो गाइस, एक ऐप से हम बहुत ही अच्छा पेज स्मूथ करेंगे, वो भी ऑटोडे एप्लीकेशन के अंदर। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में गाइस। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन है जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना गाइस, ताकि मैं एडिटिंग से लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। जिस फोटो को आपको एडिट करना है ना, फाइनली यहाँ से फोटो को गैलरी में से शेयर कर लेना है, फोटो को स्केचबुक के अंदर। तो गाइस, इसको ऑटोडे एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ये रहा कुछ इस टाइप का, इसके अंदर शेयर कर लेना गाइस। ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना है गाइस। और गाइस, इसमें जैसे आप पेज को सॉरी फोटो को अपलोड करते हैं ना, तो कुछ इस टाइप से आपको ऊपर की सारे टूल्स देखने के लिए मिलेगा। तो इनमें से ये वाला टूल से इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी लाइब्रेरी ओपन हो रहा है, तो लाइब्रेरी ओपन कर लेना है गाइस। और लाइब्रेरी ओपन होने के बाद गाइस, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। और नीचे की तरफ जैसे आओगे ना आप, फिर से थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है। और कुछ इस टाइप का आपको ब्रश देखने के लिए मिलेंगे गाइस। तो इनमें से जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है ब्रश। मैं फिर से गोल कर रहा हूँ गाइस, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक कर लेना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस, जो दूसरे नंबर वाले ना, इसको चार रख लेना है। और जो तीसरे नंबर वाले ना, इसको भी चार रख लेना है। तो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है अपने फ़ोन में। तो जो ये ऊपर वाली लाइन है ना गाइस, ये दिख रही है ना, कम ज़्यादा इसी को करना है। ये दोनों को कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों को तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। कम ज़्यादा इसी को करना है, मैं राइट लगा रहा हूँ इसी को। अभी मैं इसी को रख लेता हूँ गाइस, इसको रख लेता हूँ मैं 27 पॉइंट। फिर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कट वाला आइकन दिख रहा है नीचे की तरफ, कट कर लेना है। और जूम करना अपने फोटो को, ठीक है गाइस, देख रहा हूँ जूम करना। और कुछ इस प्रकार से गोल गोल घुमाना अपने पेज के ऊपर। देखो गाइस, कितने अच्छे तरीके से पेज स्मूथ हो पा रहा है, अभी मैं तुमको बताऊँगा। तो इस प्रकार से गोल गोल घुमाना पूरे पेज के ऊपर, जब हमको स्मूथ करना है गाइस, वहाँ वहाँ पेज के ऊपर गोल गोल घुमाना, ताकि अच्छी तरीके से लेवल हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से पेज के ऊपर अच्छी तरीके से ब्रश को चला लेना है गाइस। सेटिंग हमने रखा वही रखना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो गाइस, एक ही लेवल में आपको पेज स्मूथ करना है, और आपको ब्लैक ब्लैक भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप गोल गोल घुमाना है इसको और अच्छी तरीके से चला लेना है ब्रश को। तो गाइस, देख सकते हो आप स्क्रीन में कितना अच्छी तरीके से पेज स्मूथ हो पा रहा है, और इस तरह आप पेज को स्मूथ कर पाएंगे। तो देखो गाइस, हमने जहाँ स्मूथ किया वहाँ कितना अच्छा पेज बन चुका है। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर स्मूथ किया कितना अच्छा होगा, और यहाँ स्मूथ नहीं किया, यहाँ कितना बेकार सा लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से आपको फोटो को अच्छी तरीके से जूम कर लेना है और ब्रश को चला लेना है गाइस। और फिर से यहाँ चले जाना है, और कम ज़्यादा सेटिंग यही करनी है आपको, ये ऊपर वाली, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है गाइस, पेज में इस प्रकार से अच्छी तरीके से चला लेना है ब्रश को। देख सकते हो गाइस, बहुत ईजी तरीके से। और यहाँ पर जहाँ आपको स्मूथ करना है देना है, वहाँ जूम कर लेना है अच्छी तरीके से फोटो को, और इस प्रकार से पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है। कुछ भी नहीं करना है गाइस, देखो बहुत ईजी तरीके से पेज स्मूथ हो पा रहा है। इस प्रकार से आपको पेज स्मूथ करना है, और कुछ भी नहीं करना है गाइस। तो इस प्रकार से पेज बहुत ईजी तरीके से स्मूथ हो पा रहा है। और यहाँ पर भी हल्के हल्के हाथों से कर लेना है, क्योंकि गाइस हम जब फोटो एडिट करते हैं तो पेज को अगर अच्छी तरीके से स्मूथ नहीं करते तो फोटो बेकार सा लगता है। तो गाइस, मैं आज आपके लिए वो ओनली पेज स्मूथ करना सिखाऊंगा। तो आप देख ही सकते हो स्क्रीन में कितना अच्छी तरीके से हम पेज स्मूथ कर पा रहे हैं। तो आप इस प्रकार से पेज स्मूथ कर लेना है, बहुत ईजी तरीका है गाइस पेज स्मूथ करने का। ऐसा नहीं है कि कठिन बिल्कुल भी काम नहीं है गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से पेज स्मूथ कर पाएंगे आप। इस प्रकार से ब्रश को चला लेना है, वो जहाँ आपको स्मूथ करना है वहाँ वहाँ ब्रश को अच्छी तरीके से चला लेना है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है गाइस। देखो बहुत ही तरीके से हम पेज स्मूथ कर पा रहे हैं गाइस। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस प्रकार से देखो गाइस, पेज बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है हमारा, और स्मूथ भी हो गया है। देखो गाइस, कितना अच्छी तरीके से हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको गोल गोल घुमा लेना है गाइस, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
तो गाइस देख सकते हो हमने पेस बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है पेस। और स्मूथ होने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, उनको फोटो फाइनली डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना है थ्री डॉट में। और थ्री डॉट में जाओगे ना गाइस, यहाँ शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। और शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद जो नीचे है ना, इसमें क्लिक कर लेना है। थोड़ी देर वेट करना गाइस, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं गैलरी में जाके तुमको बता दूँ। तो गाइस ये हमने पेस स्मूथ किया है बहुत ही जी तरीके से। देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमने पेस स्मूथ किया है और जो रियल फोटो कुछ इस टाइप का है। तो ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। आया हो आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।